डिबी मोहल्ला कालका में सुबह तेज बारिश में कालका शिमला रेल लाइन के ऊपर बना आधा मकान गिर गया और इसी के साथ बने लगभग आधा दर्जन मकानों के गिरने का भी खतरा बना हुआ है। दो दिन पूर्व बिजली के दो खंभे भी गिर चुके हैं। गत 17 जुलाई को भूस्खलन में कई टन मलबा रेल ट्रैक पर गिर गया था। स्थानीय मकान मालिकों ने मकानों के किनारे किसी तरह पोली तिरपाल ढककर नरम पड़ चुकी पहाड़ी मिट्टी को बहने से बचाने की कोशिश की हुई है। हानी भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। हाँ जी, फिर सीताराम में जो स्लाइडिंग है इसके साथ ही हमारा घर है। हमने इसकी कंप्लेंट जो पहले प्राथमिक स्लाइडिंग हुई थी पहली बार, उसकी हमने कंप्लेंट 1 अक्टूबर 2018 को सीएम विंडो पे दी थी, वो भी पेंडिंग पड़ी है, उस पर कुछ नहीं हुआ। अभी अभी ये स्थिति आपातकालीन स्थिति बन चुकी है। 17 तारीख को हमने एसडीएम साहब को फिर से कंप्लेंट लिख कर दी। उसके बाद माननीय विधायक जी का दौरा भी हुआ और हमें आश्वासन दिया गया कि हमारी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर एमसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तहसीलदार साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं एमसी के जेई को बोल दिया, उसको बोल दिया, हम सिर्फ अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, ना हम ड्यूटी जा पा रहे हैं, ना हम कहीं रात को सो पा रहे हैं ढंग से। कोई अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पर? अधिकारी सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी आज के जा चुके हैं, देख चुके हैं स्थिति, लेकिन जमीनी तौर पे कार्रवाई के तौर पे हमारी रोकथाम के लिए एक तिरपाल तक नहीं भेजी। जो हमने तिरपाल अब देख सकते हैं जो लगाई है अपनी सुरक्षा के लिए, स्वयं तिरपाल जो लगाई है बहुत छोटी छोटी है।